Assalamu alaikum and hey friends, welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel. So friends, आज मैं आई हूँ मार्ट में क्योंकि मेरी कॉफ़ी जो है वो ख़त्म हो गई है. मैं घर जाके दिखाती हूँ हालत क्या है और बहुत सारे सामान है जो कि नहीं है मेरे पास अभी, तो मैंने सोचा कि ना आज ग्रोसरी करें एक साथ. और हाँ बस डस्ट, और ये है मेरी आज की सिंपल सी ड्रेसिंग. सो लेट्स डू सम शॉपिंग.자, 한 포장에 볶아주시면 되는 맛있는 닭갈비 준비되어 있습니다. 자, 수입된 닭갈비가 아닌. 또 यहां पे रख देते हैं. ये कुकीज है ना, इनका कुछ चल रहा है ऐसे, सेल तो नहीं है लेकिन कुछ पेपर ऑन डे होता है समथिंग, ऐसे पूरा पैकेट मिलता है. तो मैं सोच रही हूँ कुछ खरीदूँ मेरे लिए. ये सारे मज़े मज़े के हैं बिस्किट्स, ऐसे लंबे लंबे वाले. सो लेट्स बाय सम. मैं सोच रही हूँ एक ना ये वाला लूँ, ये आमंड पेपर होनी है बिस्किट्स. घर जाके खोलेंगे इसको फिर. और ये कौन सा है, चॉकलेट फ्लेवर, वाइट चॉकलेट, चूज करूँ, रुको वेट. एक ये वाला बाय करते हैं, ब्लैक कलर का. मैंने ब्लैक कलर का कभी भी नहीं खाया, पता नहीं कैसा होगा ब्लैक पेपर. हो और क्या ले, इसमें देखना पड़ेगा क्या क्या फ्लेवर्स हैं. ये तो यार सेम ही है ना, इधर ही देखूँ. ये एक ले सकते हैं, क्रंकी, क्रंची, क्रंची समथिंग. और इधर ना मतलब अभी लोग नहीं है, ज़्यादा रश नहीं है तो अच्छा ही है, क्योंकि अभी मैं आई हूँ ना तो थोड़ा लेट है, रात का टाइम है. और ये ऐसे ऐसे बिस्किट से मिल रहे हैं. मैं सोच रही हूँ कुछ स्नैक्स वगैरह अभी खरीदूँगी थोड़ी देर के बाद. सो लेट मी सी क्या खरीदूँ. कॉफ़ी, कॉफ़ी कहाँ, ये रही कॉफ़ी सेक्शन. यहाँ से स्टार्ट होता है और ये इस साइड जाता है कॉफ़ी वर्ल्ड. ये सारी जो है ना कॉफ़ीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट किस्म की, और मुझे चूज़ करना पड़ेगा कौन सी लूँ. मैं नॉर्मली मैक्सिम खाई है और कौन सी है होती नेस्कैफे खाई है बहुत. ये पीछे भी सारा कॉफ़ीज़ का है कॉफ़ी, तो इसको अभी ना एक्सप्लोर करते हैं एक साथ. ये वाली कॉफ़ी है ना कानो कॉफ़ी, बहुत ही फेमस है कोरिया में. कोरियन जो के पॉप के या फिर के ड्रामा के लोग इसके साथ बड़ी एडवर्टाइजमेंट है उन लोगों की. और उसके अलावा ये है मैक्सिम कॉफ़ी जो कि मैंने बहुत पी हुई है, आपने मेरे बहुत वीडियोस में देखा होगा मैक्सिम. ये डिफरेंट उसमें है कलर्स में, मतलब किसका, किसी का बिटर टेस्ट होता है, किसी का हल्का, किसी का रोस्टेड डिफरेंट. और ये ऐसे, ये जो कॉफ़ी है ना ये भी बहुत ही फेमस है, स्टिक कॉफ़ी है. तो आई एम स्टिल थिंकिंग कि मैं क्या क्या खरीदूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू बाय सम डिफरेंट स्टाइल. और ये भी बहुत अच्छे कॉफ़ीज़ हैं, ब्लैक अमेरिकानो भी होते हैं और वैरायटीज़ होते हैं इसमें बहुत, जो कि मेरी वीडियोस में आपने बहुत देखा होगा ना. लाते भी मिलता है ऐसे फ्लेवर्स, ऐसे ये भी मिलता है स्टारबक्स का जो कॉफ़ी है ना वो भी ऐसे मिलता है कि आप बना के घर में ही अपने कैफे स्टाइल पियो. उसके अलावा यहाँ पर कुछ डिफरेंट स्टाइल की कॉफ़ीज़ हैं जो फ़िल्टर करके या प्रेस करके बनाते हैं, और इंडिया की कॉफ़ी भी है. सो बहुत बात हो गई, लेट्स डू सम शॉपिंग. पे ना होल कॉफ़ी बीन्स भी मिलते हैं. ये ना इस, ये ना इसके अंदर कॉफ़ी बीन्स है पूरे पूरे, हेज़लनट, कोलंबिया, ब्राज़ील, इथोपिया, पता नहीं कहाँ कहाँ की कॉफ़ीज़ हैं फेमस फेमस, तंजानिया. और क्या ये मैक्सिम. तो मेरा जो बास्केट है ना वो अभी तक खाली पड़ा है, रो रहा है कि इसमें कुछ डालो कॉफ़ी, क्योंकि मेरा सर में दर्द होता है, बिना कॉफ़ी से दिमाग चलता नहीं है. आजकल चाय में बिल्कुल भी काम नहीं होता, तो कॉफ़ी की आदत हो गई है. इसलिए मैंने सोचा कि मैं कॉफ़ी भी आप लोगों को दिखाऊं और मैं खुद भी खरीदूँ. ब्लेस बाय. तो जो मैं पहली कॉफ़ी ले रही हूँ वो ये है नेस्कैफे की, जो कि अमेरिकानो बनाएंगे इससे हम, और ये है अराउंड $6 की. ब्लेस बाय दिस. नेक्स्ट कॉफ़ी, नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसी वाली कॉफ़ी लूँ, कोलंबिया कॉफ़ी जैसे ना. इसके अंदर फिल्टर पेपर ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो इसको हम ना ऐसे बनाएंगे. मैंने कभी ट्राई नहीं की लेकिन वी शुड ट्राई दिस वन. आई एम गोइंग टू बाय दिस वन. आई एम गोइंग टू बाय दिस कानो, कानो कॉफ़ी जो कि ना ब्लैक कॉफ़ी है. कॉफ़ी आ रही है थोड़ी थोड़ी, अभी और भी मैं देख रही हूँ ना, आराम आराम से देख रही हूँ कि क्या क्या है, किसका क्या फ्लेवर है. ये है नेस्कैफे की अमेरिकन ओरिजिनल कॉफ़ी, मिक्स मिक्स है.
ये वाली वो कॉफीज हैं जो कि ना दूध के साथ मिक्स की हुई हैं, बस ऐसे गर्म पानी में मिला के पियो। तो मैं ये फिलहाल नहीं ले रही, मैंने ये बहुत पी ली। अभी कुछ और देखते हैं, ये भी कुछ कॉफीज हैं। ओ कैरामेल माखियाटो कॉफी, ये ले लूँ एक, इसका फ्लेवर अच्छा होता है। ये देखो फ्लोर में पूरा कॉफी की डेकोरेशन की। लेट्स बाय दिस, सो लेट्स बाय दिस वन टू। ये छोटा सा मिनी कॉफी, असल में ट्राई करना चाहती हूँ। मैं नॉर्मली इतने कॉफीज लेती नहीं हूँ, एक ही लेती हूँ फिर बहुत लंबा टाइम तक चलती है, लेकिन मैं ट्राई करना चाहती हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट कॉफीज क्या टेस्ट करते हैं। सो हम घर जाके इसको फिर ना पूरा अरेंज करके रखेंगे। तो ये हो गई कॉफी, आई गो। और मुझे ना एक वो भी लेना है, ये वाला अमेरिकानो अभी पीने के लिए। ये मुझे रोमी की कॉफ़ी मिली है, यहाँ पे पैरट बना हुआ है इतना क्यूट सा। तो आई एम गोइंग टू बाय दिस कैफे लाते टू कैफे लाते, एंड आई थिंक मैंने अभी इनफ सामान ले लिया है, अभी कुछ स्नैक्स लेते हैं। तो स्नैक्स के लिए मुझे जाना पड़ेगा स्नैक्स कॉर्नर में, और उसके अलावा यहाँ पे ना जूसेस वगैरह हैं। आई एम सो एक्साइटेड कि आज मैंने कॉफ़ी ली, बहुत दिनों से मेरे पास कॉफ़ी नहीं थी। सो या आई एम सो हैप्पी। तो साउथ कोरिया में ना चार किस्म के ग्रेड, चार ग्रेड के ना मार्ट्स होते हैं, दुकान होते हैं। जैसे कि सबसे जो एक होता है पूरा ही जो रास्ते में होता है, स्ट्रीट का दुकान जो कहते हैं ना, कि जिसकी कोई ब्रांड नहीं होती, मतलब खुद ही सामान सेल कर रहे होते हैं, एक वो। और तीसरे नंबर पे जो होता है वन मार्ट, मार्ट टाइप जो छोटे छोटे मार्ट्स होते हैं हर एरियाज में, जहाँ से मैं ज़्यादातर जाके सामान खरीदती हूँ। और सेकेंड नंबर पर ऐसा वाला आता है जो इतना बड़ा होता है, जिसको होम प्लस वगैरह ई मार्ट वगैरह कहते हैं। और जो फर्स्ट नंबर पे होता है ना, वो लोते मतलब काइंड ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जो होता है ना, ग्रोसरी सेक्शन वो होता है। तो वहाँ पे तो बहुत ही किस्मत से जाते हैं मैं, लेकिन इसमें कभी कभार मैं आ जाती हूँ। और जो कि लोकल होता है ना, छोटा छोटा मतलब मार्ट होता है लेकिन छोटे एरिया में होता है, उधर मैं जाती हूँ एवरी डे बेसिस पे। लेकिन यहाँ कभी कभार आती हूँ, लेकिन यहाँ वराइटीज़ होते हैं, मतलब इतना बड़ा है ना, देखो वराइटीज़ मिलेंगी। आप देखो प्रिंगल्स है, तो प्रिंगल्स का सेक्शन पूरा। एक चॉकलेट दिखा है जिसमें स्पून बना हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ ये वाला चॉकलेट ले लूँ, कितना क्यूट है। चलते चलते मैं इस जोन में आ गई जहाँ पे सारे रेडीमेड फूड मिलते हैं ना, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा लेके जाऊँ घर, आउच दरवाजा लगा, घर जाके ना खाऊं मैं। तो ये वाला पिज्ज़ा है, मार्गरीटा पिज्ज़ा, जो कि ना मलेशिया का है, सो हर कोई खा सकता है। लेट्स बाय दिस वन, मतलब आज तो मेरी वाट लगने वाली है मेरे कार्ड की, क्योंकि आज मेरा बहुत दिल आने वाला है। लेकिन अभी बार बार मेरा आना नहीं होता ना इधर, तो चलो जो इम्पोर्टेंट सामान है वो ले लेती हूँ। ओ किमची, किमची ऐसे मिलती है फ्रोजन, और उसके अलावा दूसरी स्टाइल में भी मिलती है, पता नहीं कहाँ गई, अभी नहीं दिखेगी। जो चीज़ ढूंढनी होती है ना वो दिखती नहीं है। और ये सब कुछ मैं कुछ भी नहीं खा सकती, क्योंकि मोस्टली इनमें ना पोर्क होता है, ये लिखा हुआ है देखो। अभी ना इतनी भूख लग रही है, तो ऐसे भूख में ना मैंने सोचा मैं ये पास्ता भी लेके जाती हूँ, तो घर जाके हम इसको पकाते हैं खोल के। आई एम गोइंग टू ट्राई दिस फर्स्ट टाइम, मैंने कभी ये खाया नहीं, लेकिन शायद इसमें अंदर बना हुआ ही है, मुझे पता नहीं कैसा होगा, लेकिन लेट्स बाय दिस। अभी ना बहुत भूख लग रही है, तो मैं ये ले रही हूँ एक सैंडविच, जो कि मैं अभी निकल के खाऊंगी, लेकिन आई एम बाइंग दिस मफिन्स, क्योंकि मुझे मफिन्स हमेशा से बहुत पसंद है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी जो मैं बहुत खुश हो गई थी, मैं ऐसे केक्स लेके आई थी। तो ये ना कुछ है पता नहीं क्या, ट्राई करेंगे खोल के कभी। सो आई एम बाइंग दिस पुर्थक पुकमियन चीज स्पैगेटीज, ओ सॉरी नूडल्स। सो ऑलमोस्ट बहुत चीज़ें ले ली हैं यार, क्या क्या, कॉफ़ी लिया है, केक लिया है, पास्ता, पिज़्ज़ा, सैंडविच, कुकीज, नूडल्स, ऑल डन, ऑल सेट। अभी मैं घर जा रही हूँ, पेमेंट करूँगी, और उसके बाद बहुत भूख लगी है, पेट में बहुत आवाज़ आ रहे हैं, मुझे पास्ता खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, कुकीज़ खाना है, कॉफ़ी पीनी है। सो लेट्स गो, करेंगे हम पेमेंट। ये है मेरे पूरी प्लास्टिक की बैग, और बहुत ही हैवी है,
लेकिन सबसे पहले मैं बास्केट ना उधर छोड़ के आऊँ जहाँ बास्केट रखने की जगह है, उसके बाद हम ये थैली लेके घूमेंगे। लेट्स गो। निकाल दूं। ओह गॉड, टू हेवी। माय बैग इज सो क्यूट। चलो अभी ऑल सेट, और ये रहा हमारा थैला। चलो अभी घर जाते हैं। यार हेवी हेवी, इसको ना इधर रखते हैं जब तक एस्केलेटर ऊपर जाए। ओए गिर रहा है। सैंडविच है जो कि मैं इधर बाहर बैठ के ही खा रही हूँ। अभी देखो कलरफुल ट्रीज भी हैं, क्योंकि मुझे बहुत ना फ्रंट कैमरा पे आती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सी भूख लगी है। और ये ना वो है अंदर ना, इसमें कोई सॉस लग रही है, स्ट्रॉबेरी सॉस। एक सैंडविच। अभी ना कोरिया में इतनी ठंड है, लेकिन ना ये जैकेट है ना, मतलब कोट, उसमें भी ठंड लग रही है। मुझे अंदर इनर पहनना पड़ेगा। अभी मैंने इनर नहीं पहना, सिर्फ टी शर्ट पहनी है। आई शुड वेयर समथिंग। गोइंग होम। बस से बस हेवी थैली। बस तो यही थी आज की ग्रोसरी शॉपिंग, और इधर वीडियो एंड करती हूँ। मेरा शोल्डर पूरा ऐसे टेढ़ा हो गया है ये सामान ले लेके, क्योंकि हेवी है ना। तो अभी बस मैं घर जाऊंगी, और उसके बाद हम कॉफ़ी सेटिंग्स करेंगे, कॉफ़ी को कॉफ़ी की जगह पे, स्नैक्स को स्नैक्स की जगह पे, और उसके बाद पिज़्ज़ा एंड पास्ता बनाएंगे। तो वो हम ना नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है और बहुत ठंड लग रही है। ठंडी ठंडी हवा घुस रही है कानों में यार। अभी नेक्स्ट टाइम ना मुझे आप टोपी में देखेंगे, क्योंकि बहुत ठंड है। चलो बाय यार, खुदा हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। See you in my next video. Till then, खुदा हाफिज़, bye bye. आँखों में पानी आ गया ठंड में। Bye.